हेलो फ्रेंड्स, हम स्वार्मिंग ऑफ हनी बी यानी हनी बी झुंड कैसे बनाती हैं। झुंड ऐसे ही नहीं बनाती, वहाँ कारण होते हैं उनके झुंड बनाने के। जो उनका मधुमक्खी का छत्ता होता है वहाँ मल्टीप्लिकेशन होता है स्प्रिंग यानी बसंत और गर्मी के सीज़न में, तो वो ओवर क्राउडेड हो जाता है। तो वहाँ जो न्यू क्वीन होती है वो बाहर निकलने की तैयारी करती है, उसको स्वार्मिंग कहते हैं। जो न्यू क्वीन होती है या क्वीन डॉटर होती है वो बाहर निकल जाती है किसके साथ, अपने जितने भी उसके वर्कर सेल होते हैं उनके साथ। वर्कर सेल पहले से जिस मधुमक्खी के छत्ते में होते हैं उसको तो हनी से भरते ही हैं, और वहाँ भरने के बाद वो उसके साथ बाहर निकल जाते हैं। वो अपने ओल्ड नेस्ट को छोड़कर, मधुमक्खी के छत्ते को छोड़कर नई जगह चली जाती है और वहाँ पर एक नई कॉलोनी बनाती है। नई जगह कौन सी होगी? नई जगह पहले से वर्कर्स ऑलरेडी सर्च करके रखती हैं कि हमें यहाँ पर बनाना है। वहाँ क्वीन हनी पहुँच जाती है और वहाँ वो अपने नए छत्ते का निर्माण करती है।